स्टेशन के जस्ट सामने हैं। आपको बता दें कि नवरात्र का आज पहला दिन है और लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। ऐसे में दूर दराज से लोग आकर बनारस में फंसे हुए हैं। उनके खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो सारे लोग जो बाहर से आकर लोग फंसे हुए हैं, अभी जिला प्रशासन इस पर अपना संज्ञान नहीं ले रही है। ऐसे में आइए हम बात करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कब से आए हैं और किस लिए आए हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और इन लोगों की संख्या कम से कम 20 से 25 है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं से इन लोगों को खाने के लिए तो व्यवस्था हो जा रहा है, लेकिन रहने के लिए कहीं छत नहीं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संदीप मासोकर। कहाँ से आप? हम बस स्टैंड के बगल में रहते हैं। अच्छा, आप इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? हम इनके लिए पूरी व्यवस्था देते हैं, ये बूट मिल जाए, पुलिस बूट मिल जाए, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तो सरकार कर सकती है, तो ठीक ठीक है। हम बर्तन दे देंगे, खाना दे देंगे, राशन पटाई दे देंगे, गैस चूल्हा दे देंगे, हर चीज़ हम कर सकते हैं। ये आदेश मिले तो अब पता चला कि यहाँ के लोग कहने वाले तरह कि खाना लिया कर देंगे, कोई बात हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इससे बढ़िया हम राशन की दुकान पर जाएं और सब सामान इनके यहाँ लिया के इनके पास दे दें। आप जब इतना आप कर सकते हैं तो हम ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि थोड़ा सा चलकर आप थोड़ा सा डीएम से आप एक आदेश ले लेते हैं, तो फिर जब मदद करना है तो अच्छे से कर दीजिए। तो एक तो अगर आदेश अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा जैसे आप मदद करेंगे हम करेंगे, तो आप जैसे तमाम लोग मदद करने के लिए इस समय आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन से डर रहे हैं। बस वही बात है, प्रशासनिक तो आता है, हम लोग दबे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोग प्रशासन से डर रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं, कहाँ से आई हैं? नांदेड़ से। कब से आई हैं और क्या करने आई थी आप? वो मेरे मर्द की आस्ते थी, वो नदी को छोड़ने को आई थी। और कितने दिन से आप आकर यहाँ पे फंसी हुई हैं? हम शनिवार आलू का आपको नहीं था, कितनी तारीख होती? पाँच दिन से कुछ खाने होने को मिला है आपको? खाने को मिल रहा है, खाना मिल रहा है। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? माधुरी। माधुरी, खाना होना मिला है आपको? मिला है। घर जाने के लिए है मन? हाँ, घर जाना है। क्या नाम है आपका? योगी तारकिनी। कहाँ से आप आई हुई हैं? नांदेड़ से। तो जो माहौल बना हुआ है, अभी आपको काफी दिन रहना है, तो कैसे रहेंगे आप लोग? क्या रहेंगे, हमको घर जाने की व्यवस्था खुद तो भी कर रहा है, इतने दिन रहने को बच्चे कैसे रहेंगे? खाना वाना कुछ मिला है? मिला है जी भैया, सब व्यवस्था कर रहे। इतने दिन कैसा रहना जी भैया, ये बच्चे रो रही घर जाने के वास्ते, ये भी रो रही है, वो भी रो रही, हमको घर जाने की व्यवस्था की छू जाना का भी बोल रहा, हमारे साथी है, हमारे साथी। खाना वाना खाए बाबू? क्या खाए? रोटी दाल खाए। अच्छा लग नहीं रहा है ना? तो आप देख रहे हैं कि लड़के बहुत परेशान हैं, पूरा परिवार पछता हुआ है। ऐसे में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपने घर को छोड़कर आए हुए हैं। और आपको क्या बताएं कि ये मंजर कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज देखने को मिल रहा है। हम खुद परेशान हैं, दूसरे की समस्या को देखकर परेशान हैं। ऐसे देखा जाए तो जिला प्रशासन, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, सारे लोग इनके लिए अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में तो थोड़ा सा साफ तौर पे अब यही बात रह गई है कि सब ही लोगों को संयम बरतना पड़ेगा, जो जहां है वहां पे रहना पड़ेगा। और ये जो लोग हैं काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं, चार दिन से फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे जो ये स्टैंड है, स्टैंड के जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग खाने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जीआरपी के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, इनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने के लिए। तो आप से भी गुजारिश है कि अगर जो भी मदद करना हो तो आप भी मदद करिए। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर्स पेज। नमस्कार।